नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे खास मेहमान होते हैं, और मेहमान भी वो होते हैं जो साहित्य की दुनिया में, साहित्य के अदब में, आकाश में अपनी उड़ान पर हैं, अपनी खास पहचान रखते हैं। और इस कड़ी में आज हम आपके जिनसे मुलाकात करवाने वाले हैं वो जाने माने साहित्यकार हैं, और उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, लेकिन उनका नाम है प्रोफेसर नवीन गुप्ता जी। और नवीन गुप्ता जी से मुलाकात करवाने से पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। लगभग दो पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं और बहुत सारा उन्होंने लिखा है। आलेख लिखते हैं, लेख लिखते हैं और हर जगह उपस्थित होते हैं। नवोदित लेखकों को मंच देते हैं, सहयोग देते हैं, बड़े बड़े मुशायरे आयोजित करवाते हैं। और इसके अलावा आप जो हैं, नवीन जी की मैं बात कर रही हूँ, अनेकों संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं, अवार्डेड हैं और अलंकृत हैं। ढेरों सम्मान, प्रशस्ति पत्र, क्या क्या नहीं है इनकी झोली में। और ऐसा कौन सा फंक्शन है जहाँ पर इनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति नहीं है। इनका उपस्थित होना अपने आप में गरिमापूर्ण होता है उस समारोह के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर नवीन गुप्ता जी की। तो मिलवाती हूँ आपको नवीन जी से। नवीन जी, आप स्टूडियो में आए, दस्तक के आंगन में, जो है दस्तक के प्रांगण में, जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक में दस्तक दी। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। सखी जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। और बड़े गर्व की बात है कि एक माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और वो गजल कहते हैं, यानी भावनाओं के सूक्ष्म तंतुओं को भी ठीक माइक्रोबायोलॉजी की तरह संभाल के रखते हैं, संवेदनाओं के तंतुओं को अपने शब्दों से अलंकृत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये वाकई एक बहुत अनोखी बात है। तो हमारे जो टीवी के दर्शक हैं, हमारे जो बाहर बैठे दर्शक हैं, वो जानना जरूर चाहते हैं। शायरी वो सुनेंगे हमारे इस कार्यक्रम में जो अपना दस्तक है, इसमें दिल की बात कलम से भी होती है और शायर की बात भी होती है कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, अपनी जन्म, शिक्षा, पढ़ाई, नौकरी के बारे में जब आप बताते हैं, और हमारे दूर बैठे हमारे दर्शक जब जुड़ते हैं उस शायर से, उनके शहर से, तो कहीं ना कहीं उनका अपना कुछ खोया हुआ, बिछड़ा हुआ सब कुछ उनको याद आने लगता है, उनकी भी यादें जुड़ी होती हैं शहरों से। तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं। सखी जी, मैं पंजाब से ही हूँ। रादर मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं पंजाब से हूँ, कई जितने भी मुशायरों में जाता हूँ मेरे को पंजाबी में एक शेर सुनाना पड़ता है, नहीं तो लोग समझते हैं शायद साउथ इंडिया से है। मलेरकोटला से हूँ। अच्छा, मेरा जन्म लुधियाना में हुआ। शुरू की शुरुआती शिक्षा लुधियाना में ही हुई। मैट्रिक करने के बाद 1983 में मैं चंडीगढ़ आ गया। जी। तब से चंडीगढ़ में ही हूँ, यहाँ के डीएवी कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी तक की शिक्षा पूरी की। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, 10 साल मैंने यमुना नगर में नौकरी की। अच्छा। कुछ पारिवारिक कारण थे जी। वाइफ की वहाँ परमानेंट जॉब थी, मैंने 10 साल वहाँ नौकरी की। 2006 से अब मैं वापस चंडीगढ़ में हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर जी। और ये जो साहित्य की माइक्रोबायोलॉजी है, यानी कि सूक्ष्म तंतुओं, भावनाओं के जब आप लिखते हैं, तो आपने कब सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है? क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रभावित किया लिखने के लिए, साहित्य की ओर उन्मुख करने की वजह क्या रही? मेरे को ये लगता है कि ये तो शायद मैं इतना पीछे मेरी याददाश्त नहीं जा पाएगी कि किस चीज़ ने प्रभावित किया। हाँ, शुरुआती दौर में भी थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। अच्छी बात एक ये रही कि उस शौक को आगे बढ़ाने के लिए मैंने माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ उर्दू में ग्रेजुएशन की। 3 साल उर्दू पढ़ी मैंने यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसके बाद एक लंबा समय अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, तो ज्यादा इस तरफ नहीं ध्यान दे पाए। पिछले 7-8 साल से
दोबारा इसमें मैं काफी अब लिख पा रहा हूँ, काफी मंचों पे जाता हूँ, दोबारा से साहित्य से जुड़ गया हूँ और अब तकरीबन सभी जगह पे बड़े अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ अब जी। और जैसे कि आप हिंदी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, पंजाबी भी और अंग्रेजी भी, आप चार भाषाओं के ज्ञाता हैं, और तो किस कौन सी भाषा में आपको अपने आप को सहज पाते हैं लिखने के लिए? ज्यादातर तो मैं हिंदी और उर्दू में लिखता हूँ, पर मैं आपकी इस बात का जवाब अपने एक शेर से देता हूँ। मेरे को लगता है भाषा का बंधन लिखने में आता नहीं है। मेरा एक शेर है कि तेरे यहाँ पे नुक्ता है, क्या बात है, मेरे यहाँ पे बिंदी है, हाँ। जितनी शीरी उर्दू है उतनी मीठी हिंदी है। क्या बात है, क्या किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। मैं ज्यादा उर्दू और हिंदी में लिखता हूँ, पर सुनना, लोगों से मिलना, जो सभी भाषाओं के लोगों से सुनना और उनसे मिलना पसंद करता हूं। जी जी, और बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और आगाज जब इतना अच्छा हो गया है आपके साक्षात्कार का, तो शुरुआत फिर एक गजल से करते हैं। कुछ शेर आपके दिल के जो करीब हैं, सुनाइए। दो शेर मैं जो मेरे को ज्यादा दिल के करीब हैं, पहले वो पढ़ना चाहूंगा। ज्यादा करीब है। एक शेर मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा हुआ है, या सभी बेटियों के लिए। फिर तो ज्यादा ही करीब है, मैं मान सकती हूँ। या सभी बेटियों के लिए कह सकता हूँ मैं। हार कर खुश करने की तरकीब बना रखी है जी। हार कर खुश करने की तरकीब बना रखी है, ये जो मैंने जीतने की बच्चों से शर्त लगा रखी है, दुनिया का सबसे अमीर शख्स हूँ मैं। क्या बात है? मैंने बटुए में बेटी की तस्वीर लगा रखी है। हाय हाय, क्या बात है। मैंने बटुए में बेटी की तस्वीर लगा रखी है। क्या बात है। एक गजल जो अभी पिछले 2-3 दिन में ही लिखी है जी, वो मैं आप लोगों से साझा कर लेता हूँ जी। बचपन के दिन रुत सुहानी याद है मुझे, बचपन के दिन रुत सुहानी याद है मुझे, खेल खेल में दी हर निशानी याद है मुझे। क्या बात है। खेल खेल में दी हर निशानी याद है मुझे, बूढ़ी आंखें भूल गई शहर के सभी रास्ते। क्या बात है। ये शेर मेरे दिल के काफी करीब है। बूढ़ी आंखें भूल गई शहर के सभी रास्ते, मगर तेरे घर की गली पुरानी याद है मुझे। क्या बात है बाबा। जो हर वक्त महका महका सा रहता हूँ, तेरे छुहन की खुशबू लुभानी याद है मुझे। मेरे अंदर अभी तक एक बच्चा रहता है। इस शेर को बड़ा प्यार मिला पिछले 2-3 दिन में। मेरे अंदर अभी तक एक बच्चा रहता है, नानी दादी की हर कहानी याद है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। किसी भी चीज में वो स्वाद नहीं आता। अच्छा, इसलिए ये गजल लिखी। मैं एक आइसक्रीम खा रहा था 17 सेक्टर में। अच्छा, तो वहां से ये गजल हुई। किसी भी चीज में वो स्वाद नहीं आता, चवन्नी वाली कुल्फी पुरानी याद है मुझे। क्या बात है नवीन जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। चवन्नी वाली कुल्फी, और अब जो आइसक्रीम ली थी वो कितने वाली ली थी? और ये सवाल भी खड़ा हो गया ना। हाँ बिल्कुल। और उसमें वो स्वाद नहीं है ना, उसमें वो स्वाद भी नहीं है। नहीं, उसका स्वाद लेने के लिए है कि साहित्यकार के साथ ये सहूलत रहती है, वो बैग पीछे फ्लैशबैक में जाके उसमें वो स्वाद ले लेता है। वो सोच में वो स्वाद ले लेता है, सोच में स्वाद लेता है, पुराने यादों का स्वाद उसमें समाहित होता है। और मैंने बड़ा खूबसूरत पढ़ा था कि वो बचपन के दिन मतलब कभी नहीं भूलते। अब पैसे पैसे जो है बटुए में भरे रहते हैं, बिल्कुल है ना, तो खर्च करने का भी मजा नहीं होता, लेकिन दुनिया नहीं लूट सकते। लेकिन माँ जब अपने पल्ले से 1 रुपया खोल कर देखती थी, उस 1 रुपये जो माँ अपने दुपट्टे के मतलब अपने पल्ले से 1 रुपया खोल के देती थी, उसमें न जाने कितने स्वाद पूरे हो जाते थे, कितनी जरूरतें पूरी हो जाती थी। और अब इतना पैसे नोटों से बटुआ भरा है, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल सखी जी, आपने मेरे को याद करवा दिया। मैं 2 लाइनें लिख रहा था कि लाखों रुपए की सैलरी का SMS आता है। अच्छा। लेकिन जो गुल्लक फोड़ने से 10 रुपए निकलने का मजा आता था, वो मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्या बात है जी। और यही तो बात है, जब हम साक्षात करते हैं, साक्षात्कार होता है, तो जब हम साक्षात होते हैं साहित्यकार के, वो न जाने कितने पल, कितनी बातें, कितने किस्से ताजा होते हैं, पुराना दौर सामने, और हमारे दर्शकों से जुड़ती हैं वो बातें, क्योंकि उन्होंने भी वो दौर जिया है, चाहे वो भले ही आज विदेशों में बैठे हैं, कहीं भी हैं, उन्होंने इस जीवन को माँ के पल्ले से 1 रुपया खुलने वाली जो स्थिति है ये देखी है, और न जाने कितनी चीजें आ जाती थी, पैसे खत्म ही नहीं होते थे 1 रुपया भी। नहीं भाई, मैं आपका ये शो रेगुलरली देखता हूँ, मैंने देखा है कि वो शो हमें सभी दर्शकों को उसके साथ बहा के ले जाता है, यादों के साथ।
जी बड़ा अच्छा वो लगता है इसलिए देख जी, तभी तो आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी यादें भी हमारे दर्शकों तक सीधी जा रही हैं। और दोस्तों नवीन जी से करेंगे और भी बहुत सारी बातें, गज़लें नज़में सब हैं हमारे पास, किताबों का ढेर है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और करेंगे बहुत सी बातें, बहुत सी गज़लों पे बात करेंगे, जीवन के बारे में जानेंगे, लेकिन समय है। तो नवीन जी एक बात बताइए मुझे, सच्चे सच्चे बताइएगा, ये जो आप गज़ल भी लिखते हैं, गज़ल के साथ आप शायरी नज़में सब करते हैं, नज़म भी कहते हैं, कविता भी कहते हैं, ये जो लत है शायरी की, ये आपको कब पड़ी? क्योंकि देखो मैं इसको लत इसलिए कह रही हूँ इसकी कोई दवा नहीं है दवा नहीं है इसकी कोई दवा नहीं है, जिसको ये लत पड़ गई लिखने की पढ़ने की, इसकी कोई दवा नहीं। और जैसे कहते हैं ना, साहित्य की लौ या तो जलती नहीं है, और जल गई तो ये सांसों के साथ ही बुझेगी। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये लत ही कहूंगी मैं, तो आपको ये लत, क्योंकि ये लत इसलिए है कि हमारा शौक है, कई बार घर वालों से हजम नहीं होता, क्योंकि हम कुछ जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पाते, हमें साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेना होता है, खासकर आयोजनों में भाग लेना होता है, है ना, परियोजनाएं बनानी होती हैं, तो उसके लिए भी समय निकालना होता है, कुछ घर के काम आधे अधूरे रह जाते हैं, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, तो जब आपकी जो लत है ये आपको कब पड़ी? नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हाँ, कि शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत शौक था जी, लत नहीं थी लत नहीं थी तो लत पड़ गई जब उर्दू में पढ़ाई शुरू की, हाँ, उसके बाद जब आयोजनों में जाना शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी बात बहुत सा सुनना शुरू कर दिया आयोजनों में लाइव, या मैं आज भी रात को 2 घंटे 1.5 घंटा सुनता हूँ शायरों को, उससे वो लत पड़ती चली गई। अब उसका ये फायदा ये है कि उसमें से रूह को एक सुकून मिलता है, तो बाकी आपने जो कहा एक उसकी रिपरकशन ये है, कुछ काम और रह जाते हैं, तो अपने चाहे प्रोफेशन में है चाहे घर में है, फिर भी कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ उसको निभा पाए अच्छी तरह से। वो घर में तो डेफिनेटली वो फर्क पड़ता है चीजों का, हाँ, बिल्कुल। तो वही मैं एक छोटी सी नज़म सुना देता हूँ आपको जी, लत की के, हाँ। जो हमारी पहले बात तो शायरी जो है, हाँ, इसके लिए है। या नशा है, इसके लिए कोई खास वो नहीं चाहिए। मेरा एक शेर है कि खूबसूरत दिल होना ही शर्त है बस, खूबसूरत दिल होना ही शर्त है बस, शायर होने का और कोई राज नहीं, एहसासों को पढ़ने का हुनर जरूरी है, गजल अल्फाजों की मोहताज। क्या बात है, क्या बात है नवीन जी। तो मेरे दोनों प्रोफेशन, वो शायरी है या मेरा साइंटिस्ट हूँ रिसर्च है, दोनों में चीजों को बारीकी से देखने की जरूरत होती है, तो उसने दोनों में काफी कॉम्प्लीमेंट भी किया एक दूसरे को, तो उसमें काफी मदद भी। मैं तो एक बात और सोच रही हूँ, जिस तरह से मैंने सवाल किया था, जिस तरह से और आपने जो जवाब दिया है शायरी में, तो मुझे अभी भी ख्याल आया कि कोई प्रोग्राम ऐसा किया जाए कि शायरी में सवाल करें शायरी में सवाल करें, शायरी में जवाब आए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो फिर वही जो नज़म वो आप घर, हाँ, की जहाँ तक बात की, हाँ, कि एक किसी भी इंसान की ये दिक्कत रहती है, तो मैंने एक नज़म लिखी जो हमारी घर में कई बार हालत होती है, बेटे की किताबें, बेटी की गुड़िया, बीवी की दवा, बेटे की किताबें, बेटी की गुड़िया, बीवी की दवा, खाने को दाने, खाली जेब, सभी कुछ घर ले जाना भी है, उस पर सितम घर जाते हुए मुस्कुराना भी है। क्या बात है। तो पहले तो योजनों में जाना है, और फिर घर जाके वो जो रायता फैलता है उसको संभालना भी है। देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इंटरव्यू में एक साहित्यकार ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी लाग लपेट के सच्ची बात कही है। नहीं, बिल्कुल सही है ना। हाँ, पर ये मैं जरूर कहूंगा धीरे धीरे घर वाले भी इस बात को समझने लगते हैं और कोऑपरेशन आने लगती है। सही बात है जी। तो आपसे एक गजल की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि इतने सारा आपके पास गजल है, इतना कुछ है सुनाने के लिए जी। बिछुड़ना एक छोटी सी गजल है, उसके बाद एक गजल थोड़ी हटके मुद्दे पे है। बिछुड़ना यूं गवारा तो नहीं था, बिछुड़ना यूं गवारा तो नहीं था, सवा इसके गुजारा भी नहीं था। क्या बात है। सिवा इसके गुजारा भी नहीं था, यकीनन दोष अपना भी था इसमें, मगर सारे का सारा तो नहीं था, मगर सारे का सारा तो नहीं था, वो उसका जाते जाते मुस्कुराना कहीं कोई इशारा तो नहीं था। आए, आए।
कितना गहरा दर्द है। कहीं कोई इशारा तो नहीं था, था तेरा शहर अब भी खूबसूरत, तेरे बिना वो नजारा तो नहीं था, तेरे बिना वो नजारा तो नहीं था, पलट कर देखते कैसे उसे हम, हमें उसने पुकारा तो नहीं था। क्या बात है, हमें उसने पुकारा तो नहीं था। ये गजल मेरे को ये लगता है सखी जी कि साहित्यकार को ये प्यार से निकल कर भी सामाजिक मुद्दों पर भी शेर कहने चाहिए, गजल कहनी चाहिए। एक गजल उस पे हुई जो मैं पढ़ना चाहूंगा, जदीदी गजल की तरफ भी हमें रुझान देना चाहिए। हकीकी तो है ही, इश्क से मुतासिर तो रहती है गजल। जो साहित्यकार होता है वो हर जगह पे देखता है सामाजिक में, तो उसके जहन में ख्याल आते हैं। हमें समाज की नज़्म, जो हमारी जो समाज की नब्ज है, उस पे हमें हाथ रखना चाहिए कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, काफी चीजें हमें खुली आंखों से समाज को देखकर ही तो हम प्रत्यक्ष रूप से हम प्रमाणित करते हैं। तो एक गजल यूं हुई कि रोटी पर मत शेर सुनाओ, अच्छा मजदूरों की महफिल में। क्या बात है, रोटी पर मत शेर सुनाओ मजदूरों की महफिल में, भूख की बात ना याद दिलाओ क्या बात मजदूरों की महफिल। क्या बात है बाबा, रोटी पर मत शेर सुनाओ मजदूरों की महफिल में, भूख की बात ना याद दिलाओ मजदूरों की महफिल में, मेहनत कीजिए, मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, झूठे सपने मत दिखलाओ मजदूरों की महफिल में। क्या बात है, झूठे सपने मत दिखलाओ मजदूरों की महफिल में, प्यार वार की बातें छोड़ो, कैसे जिंदा रखना खुद को, बात मुझे बस ये समझाओ मजदूरों की महफिल। क्या बात है, बात मुझे बस ये समझाओ मजदूरों की महफिल में, पास रखो तुम अपने वादे बस तुम इतना काम करो। क्या बात है, पास रखो तुम अपने वादे बस तुम इतना काम करो, बेरोजगारों को काम दिलवाओ मजदूरों की महफिल में, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा होगा वैसा होगा, जो अक्सर होता है महफिलों में आज के समय का सच है। बिल्कुल, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा होगा वैसा होगा, मत झूठे सपने दिखलाओ मजदूरों की महफिल में, छोटे छोटे सपने इनके, छोटे 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 सपने इनके। हाँ। मेरा शेर मेरे को याद आ गया, उसकी मोहब्बत की कहानी बहुत छोटी थी। बड़ा अच्छा शेर है कि उसकी मोहब्बत की कहानी बहुत छोटी थी, उसकी महबूबा बस एक वक्त की रोटी थी। क्या बात है, क्या बात है, उसकी महबूबा बस एक वक्त की रोटी थी, छोटे छोटे सपने इनके, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, आओ इनका हाथ बटाओ मजदूरों की महफिल में, रोटी पर मत शेर सुनाओ मजदूरों की महफिल में, भूख की बात ना याद दिलाओ मजदूरों की महफिल में। जी नवीन जी, और ये वाकई आज के समय का सच है, जो भी कुछ हो रहा है हम सभी जानते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात कहें ना कहें, सब जानते हैं कि ये वादाखोरी जो है ये किस तरह से खोखला कर रही है, खासकर गरीब तबके को, है ना। बिल्कुल, तो एक तरह से उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उनकी वोट ली जाती है और फिर उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, उन तक वो सुविधाएं पहुंचती नहीं है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मजदूरों की महफिल की बात हो रही है तो दिमाग चला ही जाता है उस तरफ जो हो रहा है, नहीं सहा जाता राइटर से, नहीं देखा जाता। तो चलो थोड़ा सा रुख बदलते हैं, किसी और महफिल में चलते हैं। जी बिल्कुल, एक गजल और जो सामने आ रही है कि मेरा एक शेर है जो उसको पहले पढ़ना चाहूंगा। यूं बिन बोले दास्तान ने जिंदगी सुना डाली, यूं बिन बोले दास्तान ने जिंदगी सुना डाली, फकीर ने खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा डाली, उन्हीं बच्चों ने आज बचत का हिसाब पूछा, जिन पर जिंदगी भर की दौलतें लुटा डाली। क्या बात है नवीन जी, ये जो फकीर ने खाक मुट्ठी से उछा डाली, मैं इस पे याद आ गया मुझे कि फकीर की बात है कि दुनिया के एक फकीर ने कुछ यूं मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। तो वही बात है कि जो फकीर लोग जो कहते हैं वही सनातन सत्य होता है जिंदगी का। आज हमारे जो खास मेहमान हैं, हमारे जो बहुत अजीज भी हैं और शहर में हर गतिविधि में हर प्रोग्राम में जिनकी हलचल रहती है, आयोजन करते रहते हैं, जी हाँ प्रोफेसर नवीन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, करते हैं उनसे और भी बहुत सारी बातें। नवीन जी एक बात बताइए, आप
आपकी नज़र में ये जो युवा शायर हैं, इनको आप मंच देते हैं तो बड़े बड़े आयोजन करते हैं और इनको मंच देते हैं, इनके लिए सहयोग देते हैं, अपने पैसे से आयोजन करते हैं, मुशायरे करवाते हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि आपको मन में ये कैसे आया कि मैं ये काम शुरू करूं? क्या सरकारी अदारे कोई सहयोग नहीं दे रहे या उनको प्रोत्साहन ठीक से नहीं मिल रहा? क्या कारण है कि आपके मन में ये ख्याल आया कि अपने खर्चे से, अपने दम से, आप अपने सहयोग से संस्थाओं के साथ मिलके इस तरह की आपने जो एक माहौल बना रखा है, ये जो अदारे बना रखे हैं, साहित्यिक परिवारीय गठबंधन बना रखी है, ये जो सरकारें बना रखी हैं दिल के रिश्तों की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकारी अदारे, साहित्यिक अकेडमीज, उनका क्या सहयोग कम है क्या? मतलब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब मैं पिछले 5-7 साल से ज़्यादा यंग लोगों के बीच में या जो चंडीगढ़ को इसके आसपास ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हुआ, तो 2-3 हिस्सों में मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। जहाँ तक सरकारी अदारों का सवाल है, वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। उसमें 2-3 दिक्कतें ये हैं। एक तो मैं ये मानता हूँ कि सरकारी की तरफ से भी कितना हो सकता है, एक लिमिट है जितने प्रोग्राम वो कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि आगे बढ़ने वाले जो युवा लोग हैं वो ज्यादा हैं। दूसरा, जैसे किसी भी सरकारी अदारे में कुछ मुद्दे रहते हैं, एक क्लोज सर्कल बन जाता है, वो उसी सर्कल में वही शायर, वही युवा लोग या वही जो शायर जाना माना है उसको ही आगे प्रमोट किया जा रहा है। ये मैंने सबसे बड़ी कमी देखी। कि जो आज एक शायर एस्टेब्लिश हो गया है, जिसको मंच पे अच्छा खासा एक्सपोजर हो चुका है, उसी को एक्सपोजर और हो रहा है, यंग लोगों को उसको थोड़ा मौका कम मिल रहा है। कम मिल रहा है, बिल्कुल। दूसरा, मैंने ये सोचा कि मेरे को ये लगता है, मैं अपने साइंस में भी यही करता हूँ कॉन्फ्रेंसेज में, कि युवा और एक्सपीरियंस लोगों को एक मंच पे लाया जाए। तकरीबन मैं अपने सारे प्रोग्राम्स में 70-30 की रेशो रखता हूँ कि 70 लोग युवा हों, 30 हों जो उनको गाइड करें मंच के। बिल्कुल। और तीसरा इसका ये है कि जहाँ तक मैं क्यों करता हूँ, इसका ये है कि मेरे को लगा कि अगर किसी चीज़ से मोहब्बत की है तो वो पूरी होनी चाहिए, मुकम्मल मुकम्मल होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को सिर्फ लिखने का शौक है, मेरे को मंच पे सिर्फ इसलिए जाना है कि मैंने मेरी शायरी सुनी जाए। मेरे को ये लगा कि अगर साहित्य से, खासतौर पे शायरी से अगर मोहब्बत है, तो उसको जो लिख रहे हैं अच्छी, उनको प्रमोट भी करना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितनी कर पाता हूँ, ताकि क्योंकि मैं देखता हूँ अपने आसपास कई युवा शायर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनके जब तक उनको सिर्फ प्रोत्साहन की जरूरत है, जैसे ही वो प्रोत्साहन उनको दिया जाएगा या मिल रहा है, वो एक दो शहर अभी अपने शहर के भी हैं, तो किसी का नाम लूंगा तो बहुत से शहर नाम छूट जाएंगे, तो जो कि अच्छा कर रहे हैं, तो वो मेरे वो एक दिल को जितना एक गजल शेर लिख के तसल्ली मिलती है, उतनी तसल्ली एक सफल प्रयोजन करके भी मिलती है, सफल प्रोग्राम करके। मैं खुद हिस्सा रही हूँ आपके उन आयोजनों का, उन समारोहों का, मैंने खुद शिरकत भी की है, पढ़ा भी है, देखा भी है। और मेरे साथ तो हमेशा एक स्थिति रही है, मुझे नवोदित में भी रख लेते हैं, मुझे वरिष्ठ में भी रख ले, मुझे वरिष्ठ भी नहीं होने देते, मेरे साथ तो ये होता है। और संस्थाओं में हम भी जुड़ते हैं तो हम आपको काम करते हुए देखते हैं, और आपने जो अपनी जगह बना रखी है एक आयोजक के तौर पर, और हर जगह आपकी उपस्थिति होती है, सहयोग देते हैं, हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे चंडीगढ़ में एक ऐसे शायर है, ना जो सिर्फ लिखते हैं बल्कि लिखने वालों का हौसला अफजाई करते हैं, उनकी कमर थपथपाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नवीन जी, बिल्कुल, मेरे को जो भी काम किया जाए, प्रोग्राम भी करता हूँ, आप लोगों ने देखा, पूरी एनर्जी लगा के जी। तो मेरा एक शेर है कि जो भी करो इतनी शिद्दत से करो, कल यूं ना लगे यूं किया होता तो यूं होता, तो उसको यूं पूरा कर लिया जाए तो अच्छा। और ना सिर्फ शायरी, मुझे लगता है घर के भी काम हो, रिश्तों की बातें हो, ये हर जगह लागू होता है। मैं अपनी साइंस रिसर्च में भी 8-10 घंटे ऑफिस में काम, जो भी करो इतनी शिद्दत से करो कि कल यूं ना लगे यूं किया होता तो यूं होता, यूं किया होता तो यूं होता, पछतावा ना हो, क्या बात है। जी जी। और एक बात और बताइए कि जैसे ही आप स्टूडियो में आने से पहले जब हम बैठे थे
जलपान पर, तो आपने कहा था कि आप रास्ते में आते आते जब ड्राइव कर रहे थे स्टूडियो पे आने के लिए, तो आपसे रास्ते में एक शेर हुआ था, वो क्या था? वो कई बार मैं जब अपनी ऑफिस के काम से घर पहुंचता हूँ, लगता हूँ बहुत सा कुछ लिखा रहता है लिटरेचर जिसको कंपाइल नहीं किया जाता, समय नहीं मिलता, जैसे आपने कहा पारिवारिक काम है। मैं आपसे, मैंने जब सवाल ये पूछा था कि नवीन जी आप इतनी व्यस्तता के बावजूद आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, फिर आप शायरी करते हैं, आयोजन करते हैं, आप लिखते कब हैं, तो आपने उस शेर से जवाब दिया था। हाँ, उन लिखने का मैं बड़ा इंटरेस्ट, आई थिंक सभी के साथ हमारे होता होगा। हाँ, इतनी सिर्फ जो बेस्ट टाइम मिलता है वो जब मैं अकेला कार चला रहा होता हूँ। अच्छा। तो उसमें अब दिक्कत बल्कि ये हो गई है, कहीं जा रहे हो तो 10 बार कार रोकनी पड़ती है रास्ते। हाँ, किनारे पे नोट कर लो इसको। हाँ। तो जैसे अभी मैं आपके चैनल में आ रहा था सुबह। हाँ। तो मैं लिख रहा था कि कारे जहां देगा वक्त तो कभी खुद से मिलने जाएंगे, कारे जहां देगा वक्त तो कभी खुद से मिलने जाएंगे, बहुत से शेर संभाल रखे हैं, एक रोज गजल बनाएंगे। क्या बात है। तो ये ट्रिब्यून चौक के पास अभी आते हुए तो ये शेर हुआ। क्या तो वो वक्त है? तो मेरे को लगता है कि जिसने लिखना होता है साहित्य वो वक्त निकाल लेता है। सही बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मुझे लगता है व्यक्ति वक्त नहीं निकालता, वो जो अंदर जो छटपटाहट होती है ना, जो छटपटाहट है वो वक्त दे देती है, वो वक्त के सब छोड़ दे, लिख ले, लिख ले। वो खुद आपको इतना तंग कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत खूब। और तो एक शेर और सुनाइएगा, और ये एक छोटी सी गजल, ये मैं वही पढ़ रहा हूँ जो पिछले हफ्ते 10 दिन में लिखी हुई है। अच्छा जी। कुछ नहीं किया, हाँ। मेरे सर ये इल्जाम रह गया। अच्छा। जिंदगी भर किया फिर भी कुछ काम रह गया। ये इल्जाम लगाने वाले, जो आपने कहा था ना घर में काम रह जाता है, वो हमारे एक शायर हैं, खरड़ से हैं, उनका एक शेर है कि कुनबे में ये तनकीद, घर में ये तनकीद, कुनबे के लिए क्या किया। हाँ। एक शख्स दफ्तर में सिर खपाता मर गया। तो वो वाला है कि काम तो हुआ था कि ये रह गया, कुछ नहीं किया, मेरे सर ये इल्जाम रह गया, जिंदगी भर किया फिर भी कुछ काम रह गया। हाँ, फासले बढ़ गए, सभी का कमरा अलग अलग हो गया, अब ये घर घर कहाँ मकान रह गया, अब ये घर घर कहाँ मकान रह गया। हाँ। खुद फरेबी की, तन धोया, मन मैला ही रखा, मैं गंगा नहा के भी बेईमान का बेईमान रह गया। क्या बात है, क्या मैं बात गंगा है? नहा के भी बेईमान का बेईमान रह गया, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सभी मैं कर रहा हूँ, गीता 100 बार सुनकर भी मुझे ये गुमान रह गया, आज कौन सुनता है ग्रंथों में लिखा, झूठी कस्मे खाने को गीता कुरान रह गया, एक बार टूटे जो रिश्ते कभी मुकम्मल नहीं जुड़े, दरारें भर गई मगर बाकी निशान रह गया। और आखिरी शेर है, सभी अकलमंद हो गए, कोई किसी की नहीं सुनता, हर शख्स खुदा हो गया, कौन यहाँ इंसान रह गया। क्या बात है, हर शख्स खुदा हो गया, कौन यहाँ इंसान, क्या बात है, बहुत खूब। तो और नवीन जी बहुत कुछ सुनना है अभी आपसे, और बहुत ही मजा आ रहा है सुनने में, आपके जवाब भी शायरी में है, हमारे सवाल तो सवाल है खैर। और दोस्तों बात हो रही है नवीन जी से, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, और सुनेंगे और भी बहुत कुछ इनके बारे में। नवीन जी बहुत सारी बातें करी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ही दिल से का मतलब कि हकीकत बयां कर रहे हैं, कोई लबादा नहीं आपने ओढ़ा हुआ। और आप के साथ मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि शायरी में अगर मेरे सवाल होते तो बेहतर होता, क्योंकि आपके जवाब जो है ना पूरा शायरी में आ रहे हैं। आपके कई सवाल जो आपने अल्फाजों में बयां करने थे, बातों बातों में आपने शायरी में उनके जवाब दिए। ये परेशानी मेरे को होने लगी, मैं साइंटिफिक लेक्चर में कई बार शेर बोलने लग जाता। अच्छा जी। बहरहाल जी, तो जी, और हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आप ये बताइए, आप साहित्यकारों से जुड़े हैं, नवोदित जो नए लेखक हैं, शायर हैं, सबसे जुड़े हैं, और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हैं, तो मुझे ये बताइए कि आज का जो शायर है वो कैसा लिख रहा है, कैसी शायरी हो रही है, तो शायरों की मनोदशा क्या है, और शायरी का क्या हाल है आज के समय में, दशा और दिशा शायरी की, गज़ल की, और गज़लकार की क्या है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ, मैं सखी जी हर मंच पे ये कहता हूँ और इस मंच पे भी ये कहना चाहूँगा, शायरी जो पुराने लोग हैं तो बेहतर लिख ही रहे हैं, युवा लोग भी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, लेकिन
एक मेरे को अगर मैं सही हूँ तो कई बार एक फ़र्क लगा कि अच्छी शायरी के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन, एक अच्छा इंसान होना। तो मैं लिख रहा था वही एक दो लाइनें कि मंच से शायरी तो वो अच्छी करता है, अगर इंसान भी अच्छा होता तो दोस्ती करते। क्या बात है, वाह वाह। तो एक वो मैं कभी कभी युवा शायर होता है ना कि कई बार शायर बहुत अच्छा होता है, शायर बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो मंच पे जो बोल रहा है और मंच के नीचे जो बोल रहा है उसमें कई बार एक तालमेल नहीं बैठता। तुम 5 मिनट बाद देखोगे यार वहां तो ये बोल रहा था, ये क्या हो रहा है। तो उसमें मेरे को कई बार लगता है जो जेन्युइनली साहित्य को सुन रहे हैं, शायर को फॉलो कर रहे हैं, वो एक पर्सनैलिटी में मैच चाहते हैं। तो मैं ये मैसेज जरूर कहूंगा कि खास तौर पे अपने युवा शायरों को, उन्होंने अभी आगे बहुत बढ़ना है, जब तक वो ये चीज को अपनी संतुलन में संतुलन नहीं बिठाए, संतुलन बहुत जरूरी है। तो मेरे को एक अब मैं जो मैं इतने 30-35 साल के कैरियर के बाद मैं अपने देख पाता हूँ कि वो एक संतुलन हर चीज में जरूरी है। आपने रिसर्च करनी है, आपने पोएट्री लिखनी है, आपने कुकिंग करनी है, वो संतुलन जरूरी है। एक बेहतर इंसान होना निहायत जरूरी है, जिसको अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं कि ऑन द स्टेज ऑफ द स्टेज, तुम्हारी पर्सनैलिटी में इतना फर्क ना आए कि लोग साहित्य को ये समझने लग जाए कि यार सब ड्रामा है। तो मेरी ये एक जरूर गुजारिश रहेगी, जैसे वही बात हो गई कि सामने कुछ पीठ पीछे कुछ को हर जगह है वो कहीं तो, भी अगर एक मुशायरे में 5 शायर पढ़ रहे हैं तो उसको 100 लोग 200 लोग सुन रहे हैं कम से कम, और बेहतर सुनाते हैं, और वो सभी तुम्हें एक रोल मॉडल देख रहे हैं। तो हमें उसमें ये हमारा दायित्व है कि हम उसमें एक मैच रखें। शायरी बहुत बढ़िया हो रही है, कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि बड़े यंग लोग कोशिश कर रहे हैं बड़ी अच्छा लिखने की, तो उसमें मेरे को कोई वो नहीं। और थोड़ा सा ग्रुपिज्म भी है ना। हाँ, मैं ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, आपने उठा दिया तो कि ये ग्रुप है, मैं उस मंच पे तूने क्यों पढ़ दिया। साहित्य तो साहित्य है, बहता हुआ दरिया है, गंगा है, वो तो उसमें ये जब चीज थोड़ा सा इसको हमें रोकना पड़ेगा। आपको नवीन जी बहुत खुशी होगी, और आपने भी शिरकत की है इसी सोच की वजह से, इस दायरे को तोड़ने के लिए मैंने महफिल मुशायरा शुरू कर रखा है जस्ट टीवी पे। मैं शहर के जितने भी अदारों के शायर हैं, जितने भी ग्रुप के हैं, सबको बुलाती हूँ, और ये जो अपना महफिल मुशायरा है ना, यहाँ पर सभी शिरकत करते हैं, यहाँ पे कोई ग्रुपिज्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके वो जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप पिछले प्रोग्राम डालते हैं, तो मैं वही देखता हूँ कि यार ये बज़्म अदीब से है, ये उससे है, ये उससे है। तो एक मंच पे बहुत जरूरी है। हम कोई आपस में कोई कंपटीशन नहीं कर रहे। सही बात है। तो ये मेरा एक मैसेज जरूर रहेगा कि नहीं, महफिल मुशायरा में हमने इस दायरे को तोड़ा है और इससे बाहर निकल के सांझा मंच किया है। जैसे कहते हैं ना, पहले धारावाहिक आता था सांझा चूल्हा, बिल्कुल है ना, तो ये सांझा मंच हो चुका है महफिल मुशायरा। और मेरी भी कोशिश है बतौर साहित्यकार, मैं इस चीज को लेके बहुत फोकस्ड हूँ कि भाई बिल्कुल 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 जी। और ये आपने बहुत अच्छा किया, ये आज हम उन सवालों पे हमने बात की है जो मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में किसी साहित्यकार से नहीं पूछे, क्योंकि इसका कारण रहा, क्योंकि आप आयोजक हैं। मोस्टली मेरे पास आते हैं साहित्यकार होते हैं, गजलकार होते हैं, आयोजक कम होते हैं। आप आयोजक भी हैं, प्रबंधक भी हैं, सहयोगी भी हैं, गजलकार भी हैं, नज़्मकार भी हैं, तो आज इसीलिए आपसे ये सारे सवाल किए गए हैं, इसीलिए आप कटघरे में खड़े हैं। मैं जल्दी से ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरे को ये नहीं है कि मैं यहाँ ये बोल दूंगा तो कल को मेरे को एक दिल से जब बात की जाती है तो तुम कह सकते हैं। सही बात है। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि हमें सच का सामना करना चाहिए, और सच्ची बात भी, अब वो बात अलग है कि सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने अफसाना बनाया। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और ऐसी बात नहीं है, दर्शक भी इस चीज को जानते हैं, संसार के किसी कोने में भी आप जाइए, ये तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि इंसान के अंदर सारे गुण हैं, है ना, वरना वो खुदा ना होता अगर ये गुण ना होते, है ना। तो ये कमियां खूबियां सब कुछ मिला जुला इंसान एक ऐसा पुतला है जिसमें दोनों चीजें हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है। पर हम साहित्यकार हैं तो हम नस पे उंगलियां रखते हैं उसे दूर करने की, हम एक डॉक्टर की तरह हर वक्त दवाई लेके घूमते हैं,
है ना, तो दवाई ये करना जरूरी है, अदरवाइज हम अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे। फर्ज अदा नहीं बहुत, और एक खास बात यह है कि जब अगली बार आपका इंटरव्यू करूंगी ना, तो सारे सवाल आपसे जो है शायरी में पूछूंगी, जैसे कि अब मैं पूछने वाले हूँ कि कौन है वो शायर जो दिल के करीब है, कौन है वो शायर जो दिल के करीब है, ये भी बता दीजिएगा कि कौन आपके रकीब है। कौन आपके रकीब है? जी अब शायरी में दीजिए जवाब। नहीं नहीं, रकीब तो ये है कि हाँ, वो दूसरा किसी को ज्यादा सोचते नहीं है, हो जाते हैं कुछ, हो जाते हैं। तो जैसे मेरा एक शेर है कि जिंदगी में मोहब्बत कई बार की, एक ही शख्स से हर बार की। क्या बात है, तो मोहब्बत का एक पैगाम है जो, क्या बात है, मतलब इसमें बहुत हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार भी समाहित है कि बहुत बार मोहब्बत की है लेकिन एक ही से की है। नहीं, ये बीवी को खुश करने के लिए भी ठीक है। जी जी नहीं, आप इस शायरी से तो सभी को खुश कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक शेर पीछे लिख दिया, याद आ गया, तो हमारे पास दो मिनट का वक्त है, तो कि उसने जिद पकड़ रखी है हर रोज रूठ जाने की, अच्छा हमने भी सोची है आपके न मनाने की। फिर क्या होगा, आगे शेर था कि शाम हो गई है सिर्फ ये काफी नहीं, अच्छा और कोई वजह भी चाहिए घर जाने की। क्या बात है। उसके बाद मैंने एक शेर लिख दिया कि ये कागजों से हटके जो मेरे को याद आ रहे हैं, मेरा वजूद है घर में दिए की तरह, जिसकी याद आती है सिर्फ अंधेरा होने पर, तो घर में बवाल हो गया। फिर ये शेर लिखा कि जिंदगी में मोहब्बत कई बार की, एक ही शख्स से हर बार की। हर बार की, और वो बहुत जरूरी है, अगर आपकी गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, तो आप और गलतियां ऐसी करते हैं तो इनकी सजा भी बहुत बड़ी होती है, घर टूटते हैं। और नवीन जी, मैं तो ये कहूंगी आज आपने दस्तक दी, दिल की बात कलम से कही, बहुत कुछ आपने साझा किया, बहुत शायरी साझा करी, बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई, आपने समय निकाल के दस्तक दी है, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आखिर में एक शेर जस्ट टीवी के लिए और सखी जी के लिए। जी स्वागत है। इतना अच्छा लगा यहाँ आके कि माना एक मुख्तसर सा किस्सा हूँ मैं, खुश नसीब हूँ कि तेरा हिस्सा हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा लगा जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, फिर मुलाकात होगी सखी जी के साथ जस्ट टीवी पे, आप सभी के साथ नमस्कार जी। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात हुई प्रोफेसर नवीन गुप्ता जी से, और बहुत कुछ जाना, समझा, सुना, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। किसी भी राय के लिए, इन्फो के लिए, आप हमें info@justbroadcasting.com पे संपर्क करें, सुझाव दें, प्यार दें। और अब मुझे और नवीन जी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।